तब सुत प्रिय मोए प्राण किनाई। प्राणों ते प्यारे हैं लेकिन राम देत ना बने गुसाई राम नहीं दूंगा। विश्वामित्र महाराज कहने लगे राजन तो मना कर दो हम चले जाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। तब वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ को समझाए रहे राजन तुम्हारे यहाँ ये पुत्र के रूप में आए ना, ये कालों के काल है महाकाल है, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं और पृथ्वी के भार को उतारने वाले हैं। तब वशिष्ठ बहु विदे समझावा निरापसंदेह नाश। वशिष्ठ समझाए रहे हैं सब तू राजन का जाऊ तो बड़ी और दुनिया में हानि होगी, हमारे कहने से बेटाओं को भेज दो। वशिष्ठ जी के कहने से अयोध्या के राजा दशरथ ने विश्वामित्र महाराज को राम और लक्ष्मण को दे दिया, महाराज तुम ही मेरे बेटाओं की रक्षा करने वाले हो, तुम ही पालन पोषण करने वाले हो, तुम ही बचाने वाले हो, तुम आए जाओ कोई महात्मा आए जाए और चार लला हो जो कहीं कहीं लला को हमें दे दो, बाबा बनेंगे दे दे। बताओ नहीं देगा कोई बिरलोई खाड़े में खाए ले तनक सहेली लड़ुआ लड़क रे गल का बिरले की ताकत है ना। विश्वामित्र महाराज के साथ में राम और लक्ष्मण अयोध्या से चले गए आजमगढ़ की तरफ, यहाँ पर विश्वामित्र महाराज का सुंदर आश्रम था, बाई आश्रम पे यज्ञ हुई, हरदी जर्दी ना तजय खटर तजय नयाम चून सफेदी ना तजय अवगुण तजय ना गुलाम। मंत्र बोले आवाज गई तो राक्षस बाधा डाल के आए, भगवान राम ने धनुष लाओ अथवा धनुष पे बाण लगाओ कालों के काल। तो भगवान राम ने कितने राक्षसों को मारा, किचड़ में सोपा और रजनी चरका और यार पड़ कर दो
चनी चको उड़ाई तो रावण पर मामा तो जाको नाम ताओ मारी जेऊ एक में बाधा डाल के ले आओ राम ने बगैर फल को बाण लगाओ और मारी चकू बापे रख लो का करो मारी चनी चको उड़ाए तो सोयोजन को ससमो धर्म सोयोजन को ससमो धर्म मेरे मन रमेगा मुकेश राम की जगह